नमस्कार, आप देख रहे हैं TV24। मैं हूं मनीष भदौरिया। आज हम मोहनलालगंज के भदेसुआ गांव में मौजूद हैं, जहां आज रामेश्वर महादेव मंदिर का शिलान्यास व भूमि पूजन समारोह विवेक श्रीवास्तव व मुख्य अतिथि संजय विनायक जोशी, जो कि RSS के वरिष्ठ संगठन प्रचारक व भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव रह चुके, अपने समर्थकों के साथ मौजूद हैं। TV24 की टीम भोलेनाथ के आशीर्वाद के साथ ही TV 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर वरिष्ठ जनों से व ग्रामीणों से चर्चा की। सबसे पहले सुनते हैं संजय विनायक जोशी जी ने 2024 के लोकसभा इलेक्शन को लेकर क्या कुछ कहा। आज हमारे बीच हैं संजय विनायक जोशी जी, जो संघ के प्रचारक हैं और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व महामंत्री रह चुके हैं और संघ के फायर ब्रांड नेता कहे जाते हैं, तो आज हम लोगों के बीच हैं। तो मैं जोशी जी आपसे ये कहना चाहूँगा कि आज जो रामेश्वर महादेव मंदिर के लोकार्पण समारोह में आप पधारे हैं, इसमें आपको कैसा लग रहा है, क्या महसूस कर रहे हैं, आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हमेशा मंदिर अपने हिंदू धर्म में सामाजिक चेतना का, सामाजिक जागृति का केंद्र रहा है। इस गांव में जो मंदिर प्रतिष्ठापित होने जा रहा है, जिस कार्यक्रम में मुझे विवेक जी ने निमंत्रित किया, उनको बहुत बहुत धन्यवाद प्रदान करता हूँ। और ये इस समय वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देश में चुनाव का पर्व चल रहा है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जनता ने लगातार दो लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जनादेश देके सरकार बनाई है जी। तीसरी बार भी किए हुए कामों के आधार पर भारतीय जनता पार्टी पर लोग फिर से विश्वास अर्जित करके भाजपा की सरकार बनाएंगे, ये विश्वास है। क्या आपको लगता है कि जो नारा है भाजपा का कि अब की बार 400 के पार, वो क्या हो पाएगा, परिलक्षित हो पाएगा? जनता पार्टी ने संकल्प लिया है जन आकांक्षा उनकी पूर्ति के लिए, जनता निश्चित साथ देंगी ये संकल्प पूरा करने की। इसी के साथ हमने अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शशि चतुर्वेदी जी से भी बात करी। आइए आपको सुनाते हैं उन्होंने किन किन विषयों पर ध्यान आकर्षित करते हुए क्या कुछ कहा। इस समय हमारे साथ वरिष्ठ भगवान श्री राम के भक्त कहें शशि जी मौजूद हैं। शशि जी, भगवान श्री राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो गया और आज यहाँ पर भी रामेश्वर महादेव मंदिर की आज भूमि पूजन किया जा रहा है, तो यहाँ पर आप कैसे आप इसको देखते हैं और भगवान श्री राम का भव्य मंदिर का निर्माण हुआ उसे कैसे आप देखते हैं? देखिए, बहुत खुशी की बात है, आदरणीय हमारे विवेक श्रीवास्तव जी और उनके सहयोगी के द्वारा यहाँ पर एक भव्य मंदिर का जो निर्माण कराया जा रहा है, ये बहुत ही खुशी की बात है, क्योंकि देश प्रदेश में राष्ट्रीय नेता होने के कारण पूरे देश भर में जाता हूँ, कहीं पर नए मंदिर के निर्माण की खुशी की खबर नहीं मिलती है। जहाँ जाइए आप, मजार मस्जिदें निर्माण की आपको आवाज़ सुनाई पड़ती है। अयोध्या हो, मथुरा हो, काशी हो, लखनऊ का लजपत टीला हो, ताजमहल हो, कुतुब मीनार हो, ये सारी लड़ाइयाँ हम लोग लड़ रहे हैं। और राम जन्मभूमि पे फैसला आया, अखिल भारत हिंदू महासभा इसकी लड़ाई 1949 से लड़ रही थी। तो आज भव्य राम का मंदिर बनना है, आदरणीय मोदी जी और आदरणीय योगी जी के तत्वाधान में जिस प्रकार से ये बेहतरीन काम हुआ है, उसके लिए उनको बधाई देते हैं। साथ ही जिस प्रकार से कुछ ऐसे पुराने जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं जो दरकिनार कर दिए गए योग्यता के आधार पर, और बाहरी दलों के लोग जो यहाँ आए, उन्होंने हिंदुओं का बहुत बड़ा नुकसान किया है। वो ऐसे नुकसान किया है, हिंदू सनातनियों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया और वोट दे के सोचा उनकी विचारधारा पे कार्य होगा, और कार्य किसकी विचारधारा पे हो रहा है? बसपा, सपा, कांग्रेस, ये इनके नेता अब शामिल हो गए इनके यहाँ। और आने के बाद ये लोग सेकुलर नेता थे, ये मुसलमानों का तुष्टिकरण करते आए थे और वही काम अब ये भाजपा में आके कर रहे हैं। तो असली जो भाजपा ही है, जैसे यहाँ पर बैठे MLC, पूर्व MLC विंध्यवासिनी जी है, KK शुक्ला जी हमारे हैं, तमाम ऐसे जो वरिष्ठ नेता है भाजपा के जो विचारधारा के साथ चलते थे, वो सब किनारे कर दिए गए। तो हमारा कहना यह है कि राम को गाली देने वाला आपकी कैबिनेट में मंत्री है, रामायण जलाने वाले को आपने मंत्री बनाया, तो ऐसे कुकर्मी पापी लोगों को हटाइए और राजभक्त विचारधारा वाले लोग जो है उनको आगे बढ़ाइए, क्योंकि ये सोचिए अघोषित युद्ध देश में चल रहा है, लव जिहाद, जमीन जिहाद और ऐसी लड़ाइयाँ जो हिंदुओं की प्रॉपर्टियों को लूटने की, ये सब साजिशें खुलेआम चल रही है, विदेशी ताकतें इसमें लगी हुई हैं। मदरसे जो जो शिक्षा दे रहे हैं वो मदरसे
घृणा की भावना पैदा कर रहे हैं। इन सब बातों को देखना होगा। और यहाँ पर आए हुए आदरणीय हमारे संजय भाई जोशी जी से हमने तीन बातें रखी हैं। उसमें हमने कहा है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पर बना हुआ पार्क जो भारतीय जनता पार्टी ने शुरुआत की थी, उस पार्क के अधूरे कार्य को पूरा किया जाए। हजरत महल का नाम, हजरतगंज का जो नाम था वो अटल चौक रख दिया गया, लेकिन हजरतगंज की कोतवाली, हजरतगंज का थाना, वो फायर स्टेशन और हजरतगंज का बाज़ार, इनका नाम नहीं बदला गया। किसी भी हजरत का इस देश की संस्कृति से कोई लेना देना नहीं है। ये देश जो है राम का, कृष्ण का, महादेव का है। तो हजरत हटाओ, देश बचाओ, हजरतगंज का नाम हटा करके वहाँ पर जो है अटल बाज़ार, अटल चौक रखा जाए, जिससे एक पुरानी विरासत खत्म हो। ये दो तीन मांगे थी। और कमलेश तिवारी जी की जो हत्या हुई थी, हिंदूवादी नेता, उनके परिवार के जो अधूरे वादे सरकार ने किए थे उसको पूर्ण किया जाए, तीन बातें हमने इनके सामने रखी हैं। इंडिया जी, और जैसा कि अभी आपने कहा था कि हिंदू संस्कृति विलुप्त हो रही है, गाँव से लोग मंदिर गायब हो रहे हैं, तो क्या आप सरकार से आह्वान नहीं करना चाहेंगे कि देश में जो 6 लाख गाँव है वहाँ हर गाँव में एक मंदिर बने? देखिए, जिससे हिंदू समुदाय जो 80% आबादी हिंदुओं की है पूरे देश में, वो वहाँ धार्मिक अनुष्ठान कर सके, पूजन कर सके, जिससे वो हिंदू भावना सनातनी विचारधारा से ओतप्रोत रहेगा। देखिए, सबसे बड़ी दुख की बात यह है, राम जन्मभूमि पे जो मंदिर बना, उस राम जन्मभूमि के मंदिर पे जिनसे हम सन 1949 से या कहिए 800 वर्षों से लड़ रहे थे राम जन्मभूमि पे, उस अंसारी बंधुओं को चीफ गेस्ट बनाया गया। ये कितना दुखदाई बात है, जिससे हम लड़ रहे, जो मेरे राम मंदिर को रोक रहा था उसको आपने, आलिया भट्ट जो गाय का मांस खाती कह रही थी, रणवीर कपूर गाय का मांस खा रही थी, क्या वहाँ कोई नौटंकी हो रही थी वहाँ पर? और जो पक्षकार थे उनको वहाँ पर आमंत्रण नहीं दिया गया, आप दुर्भाग्य देखिए। तो हमारा कहना है कि जो मंदिर के पुजारी हैं उनको तनख्वाहें दी जाए, पुजारी व्यवस्थित होगा, मंदिर व्यवस्थित होगा। मंदिर जो है, राम मंदिर तो बहुत भव्य मंदिर है। एक ऐतिहासिक गलती और हो गई, अदालती का गलती कह दे उसको, जैसे नेहरू जी ने गलती की थी, उन्होंने ये गलती की थी कि जब हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ तो सारे मुसलमानों को वहाँ भेज देना चाहिए था, लेकिन मुसलमानों को नहीं भेज करके इतनी ऐतिहासिक बड़ी गलती, उससे बड़ी गलती अब हो गई है, वो ये हो गई है कि अयोध्या पवित्र राम की नगरी में मंदिर के साथ मस्जिद की जो जगह दे दी गई ना, ये ऐतिहासिक भूल हो गई है। ये फैसला तो लिया जा चुका शिष्य जी, क्योंकि ये मस्जिद जो बनेगी ना, ये भव्य राम मंदिर से बड़ी बनेगी, और ये वहाँ राम मंदिर को छोटा बनाने का प्रयास होगा वो मस्जिद जो बनेगी वहाँ पर। देखिए, तो फैसला लिया जा चुका है। अगर बात किया इंडिया गठबंधन का, ये गठबंधन को आप किस तरह से देखते हो, आपको क्या लगता है कि ये कितनी मजबूत स्थिति में दिख रहा है आपको? इंडिया, देखिए ये तो क्लियर है, विपक्ष विहीन चुनाव है ये, और निश्चित तौर पर मोदी जी की सरकार भव्य बहुमत के साथ फिर आने जा रही है, और जो राम के साथ खड़े हैं अब वो देश में आगे बढ़ेंगे, जो राम को नकारेंगे, जो हमारे ग्रंथों को नकारेंगे, हमारे कृष्ण जी को नकारेंगे, जो सनातनी बहुसंख्यकों को नकारेंगे, उनका अब इस देश में कोई काम नहीं रह गया है। अब उनकी विदाई तय है, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, ये सीधी सीधी बात है। साथ ही भाजपा के कार्यकाल को लेकर वहाँ के ग्रामीणों ने भी अपने विचार व्यक्त किए, उनसे भी बात करते हुए हमने बहुत कुछ जानने की कोशिश करी, वो भी सुनिए। कैसा आपको लग रहा है भगवान श्री राम का भव्य मंदिर का निर्माण? बहुत अच्छा लगा हुआ, बहुत अच्छा लग रहा है। आज तक किसी ने आज तक एक तोला नाज नहीं दिया। मोदी जी ने कम से कम परिवार को, हर परिवार को 1-5 किलो आटा तो देते हैं, और आज तक हमारे, पहले हम लोग पढ़ते थे मंत्री का नाम नहीं जानते थे, आज सभी लोग जागृत हैं, छोटे छोटे बच्चे जानते हैं, योगी जी, आदित्यनाथ जी, सभी को नाम से प्रसिद्ध हैं, और सभी लोग अच्छे हैं, और सभी लोग वोट पाएंगे, आगे का भविष्य बढ़िया रहेगा। आप इसी गांव के रहने वाले? हाँ, इसी गांव के। इस गांव का क्या माहौल दिख रहा है आपको 2024 में? बढ़िया है, बढ़िया है। अभी ये कोई खुल कर चलता है, कोई बंद करके। मोदी जी के जो भी योजनाएं हैं सबसे आपको अच्छी है? अच्छी, आप खुश हैं? तो देखा आपने, मोहलालगंज के भदेसर गांव की जनता ने वरिष्ठ व्यक्तियों के माध्यम से आज हमने आपको बताया कि 2024 के लोकसभा इलेक्शन में फिर से एक बार मोदी सरकार का नारा लगा है। इसी के साथ हमने इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए TV24 नेटवर्क। नमस्कार।